कि ये जरूरी नहीं कि हर असलाधार सिकंदर हो, थाम कर हाथ में खंजर लोग मुजरा भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच विक्रम मजीठिया कह रहा, मैं वीडियो तो नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे उत्ते परचा हो सकता वा, वो अश्लील वीडियो है जिदे नाल संबंधित है। मैं तैनू पुछना चाहुंदा विक्रम मजीठिया, आप अगवाई तो करते हैं श्रोमणी अकाली दल की, वह भी सुखबीर तो भी गांह हो गए, तो अकाली दल की अगवाई वह बंदे करते रहे आ जिन्हें 15-15 साल जिन्हें 18-18 साल जेल कट्टी आ पंजाब लई ते अकाली दल लई, ते तू एक वीडियो दे परचे तो ही डरी जाना। जे तेरे कोल कोई जी वीडियो है, जे किसी बंदे ने घिनौनी हरकत की है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, फिर आप समा क्यों दे रहे हैं इस घिनौने अपराध लई? तेरे समा देने का मतलब पता की आ कि सरकार उस पीड़िता मना लवे जाके जानू अपने हक दे विच खड़ी कर ले, ते जे पीड़िता सरकार या मंत्री नाल सहमत हो जाती है तो फिर तेरी उस वीडियो का मुल जीरो रह जाना वा। मैं तेनू कहना चाहना कि जे वो वीडियो पंजाब दे हित विच है, जे उस वीडियो दे विच किसी धी भैण का शोषण होया किसी मंत्री वालों किया गया, तो फिर बिना किसी परचे के डर तो उस भैण नू नाल लैके तेनू मुख्यमंत्री या DGP की हिक च जाके वजना चाहिए वा, ना कि उन्हां कोलों कोई समा मंगण की लोड़ है। कि जान देते हैं चुपके से पतंगे की तरह, मशवरा करते नहीं मौत से मरने वाले। जिहड़े बंदे ने कुरबानी देनी होवे वो डरदा नहीं, फिर वो हिक च वजदा वा। तेरे वर्गे लोगों नू, मेरे वर्गे बंदियां नू जिहड़े समाज की गल करदे आ जां लोगों नू दसदे भी असीं तुहाडी गल करदे आ, चाहे वह ड्रामा करदे चाहे दिलों करदे आ, हर बंदे नू पता हुंदा कि मुख्यमंत्री कित्थे जा रिहा, कित्थे कित्थे उह रहिंदा वा, किवें उहदे ते निगाह रखणी आ। मैं तेरा ड्राइवर बन के चलूंगा, तू पंजाब दे हितां दी गल ते कर, मैं तेरी गड्डी चला के चलूंगा, तू भावें पिछली सीट ते बह जाईं। जे तेरे च हिम्मत नहीं हैगी, मैं तेनू कहिंदा, कल तू कह रिहा सीगा ना पत्रकारां नू, तुसीं विखा दिओ जी जाके, मैं तेनू कहिंदा मैनू फड़ाओ वीडियो। मैं पीड़िता की जे सहमति हुई तो यह गल मैं जनता के सामने जनतक तौर पर रखूंगा, तो जे पीड़िता सहमत ना हुई तो मैं तेनों चैलेंज करदा, वो वीडियो मैं मुख्यमंत्री नूं विखा के आऊँगा, जिथे मर्जी उन्होंने घेर के विखावां, तो जिडे वड्डे मर्जी मंत्री की वीडियो होवे मैं उहदा जलूस कढ दूंगा। मंत्री जिड्डा मर्जी भलवान होवे उहदी ऐसी की तैसी, जे वह लोगों का शोषण करेगा धीआं भैणां दा, भगवंत मान भी तेरा पूरा साथ दे रहा, तेनों अकाली दल का सब तो वड्डा चेहरा जिहड़ा बनाउण लई, तेनों चेहरा सब तो वड्डा दिखाउण लई, ते सुखबीर नूं तेरे सामने बौणा साबित करन लई तेरा साथ दे रहा वा। EM नूं वीडियो भेजण दा कदा परचा होणा, पंजाब दी जिम्मेवारी उहदे उत्ते, पंजाब दा मुखी आ, जे को पंजाब दा दुख दर्द आ ते उहनूं ही असीं लोकां ने दसणा वा, उहनूं ही विखाउणा वा, उहनूं भेजण दा साडे ते कदा परचा दे दूगा। मैनूं दे, मैं अपने नंबर दे उत्ते उहनूं भेजदा, उहनूं कह जिहड़ा परचा देणा दे लई। मैं CM नूं वी अपील करदा वा कि जे तेरे ध्यान दे विच इह गल आ चुकी आ, जे तू पंजाब दा असली पुत आ ते फिर असली पुत बण के विखा उस पीड़िता दी, जे सहमति तो बिना कुछ होया वा तो उस लड़की नू अपने कोल बुला के जां उहदे घर जाके उहदी विथिया सुण, उहदा दुख सुण, ते बेझिझक उहदे उत्ते कार्रवाई कर, क्योंकि पंजाब दी हर धी भैण मां दी रखवाली करना तेरा फर्ज बणदा वा। जिन्नियां तुसीं गल्लां कीतियां सीगियां इनकलाब वेले सरकार लियाउण लई, मुख्यमंत्री साहब मैं तुहानूं खीर च शेर कह के समाप्ति कर लगा कि अल्फाज़ और जुमले ही काफ़ी नहीं, अल्फाज़ और जुमले ही नहीं काफ़ी, रूहदारी ना हो तो इबारत ही लवारस है। जे सच्चे दिलों आपां काम ही नहीं करना तो फिर बहुतियां गल्लां दा कोई फायदा नहीं। दोस्तों, कल मैं विक्रम मजीठिए दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिदी मेरा ख्याल सारा पंजाब ही वेट कर रहा सीगा कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और जिदे संबंध दे विच ओह पिछले एक हफ्ते तो लगातार ललकारे मार रहे सीगे और हर दो दिन बाद अपनी फेसबुक दे उत्ते एक पोस्ट पा रहा सीगा कि मेरे कोल पंजाब सरकार दे एक मंत्री दी वीडियो है, जदों मैं उन्हें रिलीज़ करूँगा, उन्हें मैं जदों जनतक करूँगा, उस तो बाद भगवंत मान उस बंदे नाल फोटो की उहदे नाल हाथ मिलाउण तो भी गुरेज करूँगा, उहदे नाल नफरत करन लग पूगा। और विक्रम मजीठिए दे लहजे तो अते उहदियां मस्खरियां तो यह लग रहा सीगा कि वह वीडियो जिहड़ी वह किसी जे मंत्री दी है ते अश्लील वीडियो है। तो कल 7 दिन ललकारे मारन तो बाद मजीठिए वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिदे विच जिन्ने उन्हें फौड़ जिहड़े मारे सीगे 7 दिन, उस अधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच 100 पत्रकार सद के उन्हां नूं दिखाया कुछ भी नहीं, सिर्फ सरकार ते दबाव पाउण की कोशिश की गई, सरकार दे उत्ते दबाव बनाउण की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच विक्रम मजीठिया कह रहा, मैं वीडियो तो नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे उत्ते परचा हो सकता वा, अश्लील वीडियो है जिदे नाल संबंधित है, कल नूं सरकार मेरे उत्ते परचा दे दूगी, जिवें बंटी रमाणे दे उत्ते परचा दिता। मैं तेनों पुछना चाहुंदा विक्रम मजीठिया, आप अगवाई तो करते हैं श्रोमणी अकाली दल की, वह भी सुखबीर तो भी गांह हो गए, तो अकाली दल की अगवाई वह बंदे करते रहे जिन्हें 15-15 साल जिन्हें 18-18 साल
जेल कट्टी आ पंजाब लई ते अकाली दल लई ते तू एक वीडियो दे परचे तो ही डरी जाना ते गल्लां आपां पंजाब लई लड़न दियां पंजाब नूं बचाउण दियां करदे आ ते चालू आपां एक छोटी जी वीडियो तो ही चालू हो गए हैं भी उहदे उत्ते परचा ही ना किते हो जाए। ये तो उहो गल होई कि ये जरूरी नहीं कि हर असलाधार सिकंदर हो थाम कर हाथ में खंजर लोग मुजरा भी करते हैं। इहदा मतलब ये इस शेर का कि यह जरूरी नहीं हुंदा कि जिहड़ा बंदा हर बंदा जिहड़ा हाथ च रफल चुकी फिरे वो लड़न वाला ही हुंदा वा। कई मेलों के रफल के नाल भकाने पाने वाले भी हुंदे आ जिहड़े निशाने लाने वाले नहीं हुंदे भी रफल फड़ के। इहदा मतलब ये नहीं कि हर बंदे ने लड़ना ही आ। सो आपां कीता कराया तो कुछ भी नहीं। फिर तू प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच सीएम नूं लैंड फोन दे उत्ते फोन करके अपना भी समा खराब कर रहा तो पत्रकारां दा भी समा खराब कर रहा ड्रामा कर रहा और अपने वल्लों मोहलत देण दा ड्रामा कर रहा सीएम नूं। लैंड फोन ते अज दे युग च कौन फोन करदा यार। हर बंदे कोल मोबाइल फोन है हर बंदा मोबाइल दे उत्ते गल्लां करदा। तू समा क्यों दे रहा उहनूं जे तेरे कोल कोई इहो जी वीडियो है जे किसी बंदे ने घिनौनी हरकत कीती है किसी की मजबूरी का फायदा उठाया फिर आप समा क्यों दे रहे हैं इस घिनौने अपराध लई। तेरे समा देने का मतलब पता की आ कि सरकार उस पीड़िता मना लवे जाके जानू अपने हक दे विच खड़ी कर ले ते जे पीड़िता सरकार या मंत्री नाल सहमत हो जाती है तो फिर तेरी उस वीडियो का मुल जीरो रह जाना वा। बस ये हो सकता कि उस पीड़िता के घर के उस मंत्री के घर के कोई कलेश हो सकता इस तो वध उस वीडियो की कोई अहमियत नहीं रहनी। मैं तेनों कहना चाहना कि जे वो वीडियो पंजाब के हित विच है जे उस वीडियो दे विच किसे धी भैण दा शोषण होया किसे मंत्री वल्लों कीता गया ते फिर बिना किसे परचे दे डर तो उस भैण नूं नाल लै के तैनूं मुख्यमंत्री या डीजीपी दी हिक च जाके वजना चाहीदा वा ना कि उहनां कोलों कोई समा मंगण दी लोड़ तां जो अगे तो कोई भी हिम्मत ना कर सके किसे धी भैण दे मजबूरी दा फायदा उठाउण दा जां अपने अहुदे दी आड़ दे विच किसे दा फायदा ना चुक सके कोई उहदा शोषण ना कर सके। रही गल मुख्यमंत्री नूं मिलण दी तेरे वर्गे लोगों मेरे वर्गे बंदियां जिहड़े समाज की गल करते लोगों दसते भी असीं तुहाडी गल करते हैं चाहे वह ड्रामा करते चाहे दिलों करते आ हर बंदे नूं पता हुंदा कि मुख्यमंत्री कित्थे जा रहा कित्थे कित्थे ओह रहिंदा वा किवें उहदे ते निगाह रखनी आ। मैं तैनूं दसदा जे मुख्यमंत्री नूं तूं मिलना चाहुंदा कल उहने अमृतसर च इक विआह दे उत्ते आउणा जिन्हां दे शगन दे उत्ते तूं वी परसों गया सीगा। उस तो बाद एक मैडिकल कॉलेज दे विच 100 साल दा समागम आ वी 100 साल हो जाणे उह मैडिकल नूं कॉलेज नूं उत्थे वी 3 वजे दा इक फंक्शन आ सवेरे अखबारां दे विच ही आ गया। फिर टाइम कहदा मंगदे उहदे कोलों आ दोवें उहदी हिक दे विच वज्जीए नहीं टाइम दऊगा मैं वेना वी किद्दां टाइम नहीं दिंदा तू मैं तेरा ड्राइवर बन के चलूंगा तू पंजाब दे हितां दी गल ते कर मैं तेरी गड्डी चला के चलूंगा तू भावें पिछली सीट ते बह जी नहीं भी मिलूगा सानू वो लोगों नूं पता ते लगूगा ना भी पंजाब लई पंजाब दीआं धीआं लई पंजाब दीआं भैणां लई ये बंदे लड़न गए आ वो कम से कम तेरी शोभा ते करनगे। आपां करिए ते सही कुछ सिर्फ एक दूजे नूं डराउण डराउण आपां खेडदे रहिंदे इत्थे बस सारे पॉलीटिशियन दा इहो हाल आ। जे तेरे च हिम्मत नहीं हैगी मैं तैनूं कहिंदा कल तू कह रहा सीगा ना पत्रकारां नूं तुसीं विखा दिओ जी जा के मैं तैनूं कहिंदा मैनूं फड़ाओ वीडियो। मैं पीड़िता की जे सहमति हुई तो यह गल मैं जनता के सामने जनतक तौर पर रखूंगा तो जे पीड़िता सहमत ना हुई तो मैं तेनों चैलेंज करदा वो वीडियो मैं मुख्यमंत्री नूं विखा के आऊँगा जिथे मर्जी उन्हों घेर के विखावा तो जिडे वे मर्जी मंत्री की वीडियो हो मैं उदा जलूस कढ दूंगा। मंत्री जिडा मर्जी भलवान होदी ऐसी की तैसी जो लोगों का शोषण करेगा धियां भैणों का तू जे उत्थे जाना नहीं चाहता आप ड्रामे को कर रहे हैं जिहड़े बंदे ने कुरबानी देनी है जिहड़े बंदे ने कुछ करना समाज लई वह को बहाने थोड़ी लभदा वह को टाइम थोड़ी मंगता वा। किसी ने बहुत खूब कहा कि जान देते हैं चुपके से पतंगे की तरह मशवरा करते नहीं मौत से मरने वाले। जिहड़े बंदे ने कुरबानी देनी होवे डरदा नहीं फिर वह हिक च वजदा वा ते जां कहिंदे आ ना कि बाज जिहड़ा वह डारी मरन लग्या कावां नाल सलाहां नहीं करदा फिर तैनूं उत्थे उहदे घर पहुँच जाना चाहीदा जां जिथे उहदा समागम है उत्थे चले जाना चाहीदा। फिर नहीं तो फिर इहो ही साबित हुंदा ना तुहाडे दोवां दे विच कि आपां एक दूजे नाल मिल के चल रहे हाँ भगवंत मान भी तेरा पूरा साथ दे रहा तैनूं अकाली दल का सब तो वड्डा चेहरा जिहड़ा बनाउण लई ते तैनूं चेहरा सब तो वड्डा दिखाउण लई ते सुखबीर नूं तेरे सामने बौणा साबित करन लई उह तेरा साथ दे रहा वा ते तू वी उहदे राह दे विच आउण वाले जिहड़े वी उत्ते हावी हुंदे आ मंत्रियां उन्हां दा तू कंडा कढ रहा जां उहनां नूं डरा के उहदे पैरां च सुट रहा वा। आपां वी ते मिल बह के ही इह कम्म चलाउण डए आ ना फिर आपां जनतक क्यों नहीं कीती जां आपां मतलब उहदे कोल गए क्यों नहीं उहदी कोठी दे विच उहनूं वट्सएप दे उत्ते आपां भेजी क्यों नहीं। तू कल नूं उहदा लैंड फोन दे उत्ते फोन लाया जिहड़ा सब नूं पता होगा भी लैंड फोन के उत्ते गल ही नहीं होनी मुख्यमंत्री किहड़ा अपनी कोठी बैठा होना वा। मैं तैनूं दोवां बंदियां दे नंबर दिंदा जिहड़े उहदे नाल परछावें वांगू रहिंदे मैं तुहाडे वट्सएप दे उत्ते भेज दूंगा
उन्होंने तुम वो वीडियो जोड़े वह हर फोन चुकते हैं वो तुम वो वीडियो जी उन्होंने पाओ जी मुख्यमंत्री तक उन्होंने पहुँचा तो मैं तेन कहना सी एम वीडियो भेजण का कहदा परचा होना पंजाब की जिम्मेवारी आते पंजाब का मुखी आ जे को पंजाब का दुख दर्द आ तो उन्होंने ही असी लोगों ने दसना वा उन्होंने ही विखा वा उन्होंने भेजण का साढ़े कहदा परचा दे दूगा मैनू दे मैं अपने नंबर के उत्तों भेजदा उन्होंने कहा जो परचा देना दे ली मैं तेन एक गल कहनी चाहना जो पंजाब लई लड़ना ना तो सुहिरदता ना लड़ो मैं सी एम भी अपील करदा वा कि जे तेरे ध्यान दे विच ये गल आ चुकी आ जे तू पंजाब दा असली पुत आ तो फिर असली पुत बन के विखा उस पीड़ता की जे सहमति तो बिना कुछ होया वा तो उस लड़की नू अपने कोल बुला के जां उहदे घर जाके उहदी विथिया सुन उहदा दुख सुन तो बेझिझक उहदे उत्ते कार्रवाई कर क्योंकि पंजाब दी हर धी भैण मां की रखवाली करना तेरा फर्ज बनता वा जिन्नियां तुसी गल्लां कीतियां सीगियां इनकलाब वेले सरकार लियाउण लई तुहाडा फर्ज बनता जे किसी धी भैण नाल तुहाडे मंत्री ने जां वड्डे ताकतवर बंदे ने उहदा शोषण कीता उहदा फायदा उठाया तुहाडी कार्रवाई करनी जिहड़ा ज़्यादा जरूरी आ नहीं तो बहुतियां गल्लां करन दा बहुतियां कलोलां करन दा बहुते लैक्चर करन दा कोई फायदा नहीं कि लोगों नूं इहदे नाल नहीं टुंबिया जा सकदा। मुख्यमंत्री साहब मैं तुहानूं खीर च शेर कह के समाप्ति कर लगा कि अल्फाज और जुमले ही काफ़ी नहीं अल्फाज और जुमले ही नहीं काफ़ी रूहदारी ना हो तो इबारत ही लवारस है जे सच्चे दिलों आपां काम ही नहीं करना तो फिर बहुतियां गल्लां दा कोई फायदा नहीं इन्नियां ही गल्लां मैं तैनूं कहणियां सीगियां जे तेरे ध्यान च आ चुका तो उहदे ते बिना झिझक एक मिनट च कार्रवाई होनी चाहीदी है।